हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बीपीएससी टीचर का जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है इस सेट में जो है वीडियो में जो है बीपीएससी का बिहार लोक सेवा आयोग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि आप सेट जो है 1 से लेकर के जो 15 तक आप अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर इसे देख लीजिएगा। तो आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। महाराज का पहला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर जगह। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो है यह धर्मपाल के द्वारा कराया गया था, जबकि इसको नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ये याद रखिएगा। अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित हैं? तो देखा जाए तो अधिकांश चोल मंदिर जो थे ये भगवान शिव को समर्पित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा, भगवान शिव को। सांची का प्रसिद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप जो अशोक द्वारा बनाया गया था किस राज्य में है, तो सभी लोग जानते हैं कि सांची का स्तूप MP यानी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर जाएगा, जिसे अशोक सम्राट ने बनाया था। यूनानी रोम कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका जो स्थान गंधार में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर जाएगा। अजंता चित्रकला किससे संबंधित थी? तो अजंता चित्रकला जो थी यह गुप्त काल से संबंधित थी। अजंता की जो गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है, जो अजंता की चित्रकारी दो अलग अलग अवधियों में सातवाहन काल में के दौरान बनाई गई थी, और ये चित्र जो है हीनयान संप्रदाय वटाकट गुप्त काल के महायान संप्रदाय के थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, गुप्त काल के। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था? तो स्वयं आत्मकथा लिखने वाला कौन था? तो एक आपका राइट आंसर बाबर था और दूसरा था जहांगीर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उस भारतीय शासक का नाम बताइए जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमोरी। जब 1498 में जो है वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज भारत को किया था, तो उस समय वहां का राजा जमोरी था और वास्को डी गामा को वहां पर भरपूर स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जगह। इबन बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो इबन बतूता के बारे में देखा जाए तो यह जो है 1333 में जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है भारत में आया था। यह कहाँ का यात्री था? तो यह जो है मोरक्को का यात्री था, जिसकी इसका एक पुस्तक भी है, रेहला पुस्तक है, ये याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग सरकार अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनाया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह बनाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1451 तक जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक अपने सुल्तान बना रहा था। इन्होंने ही जो है दिल्ली के सुल्तान के खैरात विभाग सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु देखा जाए तो यह कब हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1707 में हुआ था। 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। औरंगजेब ने जो है 49 वर्ष तक शासन किया था, और एक और जो है अकबर जो है यह भी 49 वर्ष तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि एन राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान का जो केंद्रीय कार्यालय कहाँ है, तो यह आपका हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जगह। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था कब, तो अगस्त 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जगह, अगस्त 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। वर्तमान में जो डॉक्टर शेखर बसु परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि धीरज नारायण को हटाकर खिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? धीरज नारायण को हटाकर खिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था 1767 में बनाया गया था। 1767 में जो है यह जो है बिहार का नायब दीवान खिताब राय को बनाया गया था। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन था? तो 1757 में पलासी के उपरांत जो बिहार का उपनवाब कौन था, तो आपका इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए मिरन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जगह। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इससे किस नाम से जाना जाता है?
तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोमेश्वर की पहाड़ी। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज बना था? तो पुराने बिहार की जो जमीन जो कितना परसेंट लेकर झारखंड राज बना था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखा जाए तो 45.85% लेकर जो है ये झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड अलग हुआ था बिहार से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात किया गया है, तो यह लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह का संबंध है, तो बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। कब हुआ था? तो यह 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। शिवाजी के शासन काल में चौथ क्या था? तो शिवाजी के शासन काल में चौथ जो था और जो सरदशमुख, यह जो है आय का मुख्य साधन था, यानी कि एक प्रकार का टैक्स था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका चौथ क्या था, तो एक प्रकार का कर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सा था? तो आपके यहाँ चार ऑप्शन जाएगा, सतर्क सेना, बड़ी सेना, राजनीतिक वर्चस्व या छापामार युद्ध। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, छापामार युद्ध था। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन की किस्म जो है यह कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपका पाया जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर था, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए तो मान दिया गया कि सवाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना चरागाह जो है आपका पाए जाते हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में जो है सवाना चरागाह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस इलाके को बाइबिलियन गार्डन ऑफ ईडन का माना जाता है? तो दक्षिण इराक की कच्छ भूमि को जो है बाइबिलियन गार्डन ऑफ द ईडन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो एशिया में वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो यह आपका हो जाएगा ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रह करना। ईंधन की लकड़ी का अत्यधिक संग्रह करना जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की मुख्य विशेषता होती है कि अधिकतम जैव विविधता होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सभा क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो असम, नागालैंड, भूटान की सीमा लगती है, जबकि मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो यह अपना ही करेगा त्रि, यानी कि तीनों पर से त्रि माने पूरा, तीनों तरफ से घिरा हुआ तो त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में समुद्रीय तट स्थित है? तो समुद्री तट कहाँ स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं कि चेन्नई में। निम्नलिखित से किस शहर में समुद्री तट स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है चेन्नई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, यहाँ पे लंबा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के दो सबसे अधिक समुद्री पारिस्थितिकी कटिबंध इको जोन क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट जो है यह पारिस्थितिकी कटिबंध का इको जोन है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में पूछा गया कि सबसे छोटा दिन, तो सभी लोग जानते हैं कि ठंड के दिन में आता है, तो ठंड के दिन में 22 दिसंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून को। 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला कहें पश्चिमी घाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर है हिमाचल पर्वत, हिमालय पर्वतमाला को जो गणना वैज्ञानिकों ने विश्व की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में करते हैं, इसी का जो है सागर तल से उठने की आज से लगभग 500-600 करोड़ पहले जो है, इसीलिए इसे जो है यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा? तो सबसे यहाँ पर लंबा के बारे में पूछा गया, तो सभी लोग जानते हैं कि हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा के संबलपुर में है, निकट है महानदी पर।
तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर जगह। यूएसए की टीवी यानी कि टेनसी वैली अथॉरिटी ऐसी परियोजना भारत में यह कहाँ है, तो यह जो भारत में देखा जाए तो यह कहाँ, तो दामोदर नदी पर देखा जाए तो कहाँ, ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट है, दामोदर घाटी पर जो टेंसी जैसी परियोजना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जगह। निम्नलिखित में से वे राज्य कौन सी है जिसमें अगस्त मलाई जीव मंडल फैला है, तो अगस्त मलाई जीव मंडल फैला है तो केरल तमिलनाडु में। अमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में होता है क्या, तो अमूल्यन की वजह से आंतरिक मूल्यों में क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर का कोई परिवर्तन नहीं होता है। विज्ञापन पर व्यय डैश क्या कराता है, तो विज्ञापन पर जो किया जाने वाले व्यय को जो है बिक्री लागत कहा जाता है, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर बिक्री लागत। निम्न में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, आयकर, संपदा कर, निगम कर या इनमें से कोई नहीं, तो प्रत्यक्ष कर नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें करापात व कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कराघात और करापात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर होता है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण देखा जाए तो आयकर है, संपदा कर है, निगम कर इत्यादि, तो ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण बाजार स्थिति तब स्थापित होती है जब क्या होगा, तो जब होता है कि जब बहु विक्रेता एवं बहु क्रेता विद्यमान होते हैं तो पूर्ण बाजार स्थिति स्थापित होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है, तो संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर होगा उधार। उधार जो है संघ सरकार के चालू राजस्व में सम्मिलित नहीं है। संघ सरकार के राजपति अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है, तो संघ सरकार के राजपति अधिकारी की नियुक्ति और उनकी सेवा से मुक्ति कौन करता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जगह। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तथा तीन सेनाओं के प्रमुख को नियुक्ति करता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ कर सकता है, तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग प्रारंभ कर सकता है, तो आपका इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में प्रारंभ होती है, अनुच्छेद 67 में जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का विवरण मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जगह। प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद से द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न से किस पद के द्वारा किया था, तो यह जो है नियुक्ति द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर जगह। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकता है जब तक उसके पास क्या होगा, तो आपका इसका राइट आंसर लोकसभा का विश्वास मत जब तक रहेगा तब तक भारत के प्रधानमंत्री अपने पद धारण कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जगह। प्रधानमंत्री के पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए, तो पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा देखा जाए तो यह हो जाएगा कितना, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए जैसे न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए, और जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए जो 35 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए 30 वर्ष आयु होना चाहिए, और मत देने का अधिकार करने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है, तो राजनीतिक अधिकार कौन सा हो जाएगा, तो चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति किसमें निहित है, तो यह शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी भी सजा को माफ करने या निलंबित करने की शक्ति जो है यह राष्ट्रपति को है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध को सजा को कम कर सकता है या पूर्ण क्षमा कर सकता है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है, तो मूल अधिकार में देखा जाए तो समता का अधिकार, सॉरी मूल अधिकार में देखा जाए तो कौन शामिल नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर हड़ताल करने का अधिकार। हड़ताल या स्ट्रोक या बंद करने का अधिकार जो मूल अधिकार नहीं है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट किया गया कि किसी व्यक्ति को बंद, हड़ताल, स्ट्रोक के बहाने किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट करने के लिए अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर है। किसी देश की फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत क्या है, तो किसी देश के फांसीवाद के राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत क्या है, तो यह आपका हो जाएगा इटली में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। फांसीवाद जो है यह इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा अतिचालकता का पहला सिद्धांत है? तो अतिचालकता का पहला सिद्धांत हो जाएगा ग्रीजबर्ग लैंडो सिद्धांत थ्योरी प्रमेय। ग्रीजबर्ग लैंडो सिद्धांत थ्योरी प्रमेय जो है यह अतिचालकता का प्रमुख सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो विद्युत के लगी आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका यह होता है कि यह विद्युत आघात का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो अर्धचालकों को पी टाइप प्रकार तथा एन टाइप प्रकार को एक साथ जोड़ा जाता है तो पी एन जंक्शन बनाती है जो इस प्रकार व्यवहार करती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टकारी का जैसा व्यवहार करती है। मोटर कार से उत्सर्जित वह प्रदूषक जिससे मानसिक बीमारी होती है तो वह कौन सा होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है यह इसका राइट आंसर है, लेड वह उत्सर्जित प्रदूषक जिसमें मानसिक बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट पी बी। पाइराइट अयस्क के दहन से उत्सर्जन होता है तो पाइराइट अयस्क के दहन से क्यों उत्सर्जन से क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूरी हवा शब्द का प्रयोग होता है तो भूरी हवा शब्द का प्रयोग किस में होता है? तो प्रकाश रासायनिक धुंध में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, प्रकाश रासायनिक धुंध में जो है यह भूरी हवा का शब्द का प्रयोग होता है। अनुबंध सलेष्मा पदार्थ से ढके हुए हैं, अमाशय की आंतरिक परत का कार्य होता है। तो अनुबंध सलेष्मा पदार्थ से ढके हुए अमाशय की आंतरिक परत का कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है आपका म्यूकोसा पर पेंसिलिन के प्रभाव को रोकना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे जो मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनर्निर्माण होता है? तो मानव के जो शरीर के पुनर्निर्माण होता है तो स्टेम कोशिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है? तो सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है तो मस्तिष्क कोशिका में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। मस्तिष्क कोशिका जो है बड़ी कम विकसित करती है, इसीलिए जो है हमारे माथे पर मारने की जो है सलाह नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक जो विकसित करने वाला कौन सा है? तो यानी कि हो जाएगा यकृत हो जाता है। पर्ण आकृति की कौन ग्लोबेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो पर्ण आकृति की कौन ग्लोबेट ग्रंथि जो है यह आपका पाया जाता है कहाँ पे? तो नर तिलचट्टा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो महात्मा गांधी जो अपना राजनीतिक गुरु किससे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर जो है चार इसका राइट आंसर होगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे थे, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1928 में। इसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया था और 1928 में पहली बार भारत में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1919 के भारतीय इतिहास से संबंधित है तो वर्ष 1919 जो है भारतीय इतिहास से किससे संबंधित है? तो 13 अप्रैल 1919 के पंजाब में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसकी ने इसकी स्थापना किया था? तो INA जो है तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह की। INA कहने का मतलब अंदाज हिंद फौज की योजना का कैप्टन मोहन सिंह ने जो है यह मन में लाया था और ये वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति थे और जापानी सेना के अफसर मेजर फुजिहारा तथा सिख साधु ज्ञान प्रीतम सिंह ने सलाह पर मोहन सिंह ने जो है यह सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए 40,000 यहूदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की था जिसका उद्देश्य भारत में मुक्ति दिलाना था। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके देखा जाए तो जिसका उद्देश्य था मुक्ति दिलाना और पुनः राष्ट्र बिहारी बोस ने कृतित्व में 1942 में जो है टोक्यो में सम्मेलन में अप्रवासी भारतीय द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था। राष्ट्र बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व में नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। सन 1920 में खिलाफत कमेटी सभा जिसने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में हुआ था। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था? तो यह हिस्सा लिया था किसने? तो मजदूरों ने। ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर है। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं?
यह प्रदर्शन कर सकते हैं कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए एकता के ऐसे अवसर हैं किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने देखा था। असहयोग आंदोलन के संबंध में सभी घटनाओं को सही क्रम इंगित करिए। तो चलिए इसको इंगित करना है सभी घटनाओं को। तो चौरा चोरी कांड 1922 में हुआ था और जो है गांधी जी की गिरफ्तारी और गांधी जी का आंदोलन स्थगन, तो चौरा चोरी कांड कब हुआ था तो 1922 में हुआ था। और जो देखा जाए तो गांधी जी जो है कलकत्ता, गांधी जी के बारे में देखा जाए चौरा चोरी 1922 में, नागपुर अधिवेशन कब हुआ था तो 1920 में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरा चोरी कांड जो है यह कब हुआ था तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद जब यह घटना हुआ था तो उससे उग्र भीड़ ने क्या हुआ था कि उग्र भीड़ ने 5 1922 को ही जो है पुलिस थाने में आग लगा दिया था चौरा चोरी कांड के समय। और चौरा चोरी के कांड के समय आग लगाने के कारण ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था 1922 में ही, और गांधी जी की गिरफ्तारी भी हुआ था उसी समय। तो आपका इसका राइट आंसर होगा, इस सभी जो है लगातार दिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य किया था। तो रॉलेट एक्ट को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था इसका मुख्य लक्ष्य किया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमित करना। अगला प्रश्न है कि सौर वर्ण क्रम सम्मिलित रूप है, तो सौर वर्ण क्रम सम्मिलित रूप है किसका, तो यह आपका हो जाएगा प्रकाश, लघु तरंग विकिरण और दीर्घ तरंग विकिरण, यानी कि 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तापकालिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो तापकालिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही होगा, तो तापकालिकता से तात्पर्य होता है कि दिन और रात के तापांतर में अंतर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी तंत्र की स्वनियम अर्थात अस्वतित्व की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन कीजिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्थापन हो जाएगा। किसी तंत्र की स्वनियमन अर्थात अस्तित्व की क्षमता के लिए उपयुक्त पद का चयन किया था, समस्थापन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों के लिए उपयुक्त पद को चयन कीजिए, वह बल जिसकी मृदा जल के साथ संलग्न बाधा रहता है तथा जिसे दबाव के रूप में परिणामित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है जल विभव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा सही क्रम को निर्धारण कीजिए, तो अपघटन अभिक्रिया के बारे में तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, तो विखंडन, निक्षालन और अपपाचन। विखंडन, निक्षालन और अपपाचन जो है यह सही प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषमपोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रवाह को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है कहा जाता है खाद्य श्रृंखला। विषमपोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषण तत्वों को ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला के अनुसार देखा जाए तो मनुष्य जो है उपभोक्ता होता है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होती है, तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है कहाँ पे, तो आपका इसका राइट आंसर पादप लौक से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो नकारात्मक प्रभाव नहीं है तो अवशिष्ट की पुनरावर्तन जो है यह पर्यावरण पर शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है कि डैश का अर्थ व पर्यावरण की गिरावट को अवशोषण करने की क्षमता क्या है, तो डैश का अर्थ के बारे में बताया जाए तो पर्यावरण की गिरावट का अवशोषण का क्षमता क्या रखना चाहिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषण क्षमता रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साधारणीय विकास लक्ष्यों SDG को अन्य रूप से किस जाना जाता है,
साधारणीय विकास लक्ष्य को जो अन्य रूप से किसे जाना जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एजेंडा कार्यसूची 30। बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका है, तो बाल मृत्यु दर घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका है, तो सशस्त्र त्रावधि विकास लक्ष्य MDG ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर। पर्यावरण का संरक्षण और गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, ये नियंत्रण करना या समाप्त करना, ऑप्शन नंबर डी सभी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। 84 दिया गया है कि गैर नवीकरणीय संसाधनों के समूह को चुनिए, तो गैर नवीकरणीय संसाधनों के समूह कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फास्फेट, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है, तो ओजोन क्षेत्र से अधिक स्पष्ट जो है ध्रुवों पर दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो यह पारित किया गया था 1987 में। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में यह मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के उपचार के लिए देखभाल से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए उसे संपत्ति और मामले के संबंध में बेहतर प्रावधान और उससे जुड़े सभी मामलों को एक अधिनियम है। एक समान जल संपर्क रोग है, तो सिस्टोसोमियासिस निम्नलिखित में से किससे फैलता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरेकेरिया से फैलता है। गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गैलेथिया बे राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप में है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वन संरचना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो वन संरचना अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1980 हो जाएगा। वन संरचना अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। अगर यही पूछा जाता है कि पर्यावरण संरचना अधिनियम कब होता, तो पर्यावरण संरचना अधिनियम 1986 में था, और जो कि वन संरचना 1980 में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, जो कहाँ है, तो राजस्थान में। यह बाघ के लिए है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट आपको पसंद आया होगा। जितना भी मैंने 1 से लेकर के 90 तक जितने भी जीके जिस प्रश्न से मैंने सभी को डिस्कस करा दिया।